नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिस उम्र की ढलान पर लोग आराम करते हैं या स्वास्थ्य लाभ लेते हो, उस दौर में भी जब एक 71 साल का शख्स ऐसे कर्तव्य करे जिसे करना युवाओं के लिए भी आसान ना हो, तो इसे अजब गजब ही कहेंगे। योग दिवस के मौके पर आइए आखिर हम भी मिलते हैं ऐसी शख्सियत से। नरसिंहपुर से हमारी इस खास खबर में, इस 70 साल के युवा को देख लगता है कि उम्र कभी जीवन जीने की उमंग के आड़े नहीं आती। जिंदा दिली से जीवन में को जीने की कला के कारण ही योग के इस करिश्माई अंदाज के बादशाह प्रकाश पेठिया बर्मेन के जज्बे को सलाम करने को जी चाहता है। लोग आए और मुझे इस तरह से बाइक ले रहे हैं, तो मुझे ये प्रसन्नता हो रही कि हम लोग जो कर रहे थे और इस उम्र में पहुँच के कि कोई तो हमें देखने वाला है। और ये जो आज मीडिया का जमाना है उसमें आप काम मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आगे यह बात बताता हूं, मेरा संदेश बुज़ुर्गों के लिए विशेषकर है। नौजवान तो अभी बहुत उम्र है उनकी, सारी चीज़ें हैं। हम दोनों पति पत्नी सुबह 5 बजे उठ के और ये नित्यक्रियाओं में हमारी ये है, ये शामिल है। इसको आप योगा कहें, प्राणायाम कहें, कहें क्या, ये है जो हम लोग अपने समय के अनुसार इसको आगे पीछे भी करते रहते हैं। एकाकी जीवन जिस तरह सब जीते हैं लोग, क्या कहेंगे वृद्धावस्था में आके इस तरह से करने से कितनी स्फूर्ति मिलती है? इससे करने से हम कह रहे हैं एकाकी जीवन का तो सारा चीज खत्म हो जाएगी। नहीं, डर अभी तो नहीं लगता, पहले लगता था, परंतु अब देखते हैं डेली करते करते अब उनकी इतनी ज़्यादा लचीलापन आ गया है शरीर में कि चाहे जैसे तरीके से वो मोड़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, उतना खेतों में काम कर लेते हैं और सब ये योग प्राणायाम आसन की वजह से ही उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। और इसी के कारण दिन भर धूप में मैं मतलब खेत में जाकर मजदूरों के साथ काम करना, उनके साथ में रहना, सब कुछ, इतनी धूप में भी वो ठीक रहते। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व है निरोगी काया। शास्त्रों में कहा गया है यदि व्यक्ति निरोग है तो उसका जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कम से कम व्यक्ति को अपने घंटे, अपने 24 घंटे का 10% अच्छे कार्यों के लिए देना चाहिए। यानी 10 घंटे का में से 10% का मतलब होता है 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट। इसमें से कम से कम 1 घंटा प्राणायाम योग के लिए आवश्यक है। यदि आप योग करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। यदि हम आज की वर्तमान परिवेश देखें, इस भाग के जीवन में, तनावपूर्ण जिंदगी में रोगों से बचने के लिए मात्र एक उपाय है योग। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।